Assalamu alaikum girls, today we will discuss languages of Pakistan, chapter number 7, Pakistan ki zubane, aur aaj hum padhenge Pakistan ki qaumi zuban Urdu ke bare mein aaj hum padhenge. Sabse pehle jo hai wo dekhte hain ki zuban hai kya. Zuban insani jazbaat ke izhar ka ek kudrati aur moassar zariya hai. Isse hum apne khayalat aur ehsasat dusron tak pahunchate hain. किसी भी जबान की मौजूदा शक्ल एक तवील शौरी और मुसलसल मेहनत का नतीजा है. लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इन एवरी फील्ड ऑफ इट्स एक्टिविटी. लैंग्वेज इज द मीडिया बाय विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स. कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी कैन ओनली बी अंडरस्टूड एंड सेफगार्डेड बाय द हेल्प ऑफ कॉमन लैंग्वेज. ठीक है, कि इंसान जो है वो अपने जज्बात और का इजहार जो है वो उस वक्त तक ही कर सकता है जब तक के उसको जो है वो दूसरों की जबान समझ में आएगी. और इब्तिदा में इंसान महज महमल आवाज़ों के सहारे अपने जज्बात और एहसास दूसरों तक पहुंचाता था. आहिस्ता आहिस्ता इन आवाज़ों ने अल्फाज की शक्ल इख्तियार की. इस तरह अल्फाज के मजमू से जबान एक जरिया इजहार बनी. पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है. इसके अलावा जो दीगर इलाकाई जबानें बोली जाती हैं उनमें सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, ब्राहवी और सराइकी वगैरह शामिल हैं. उर्दू जहां राब्ते की जबान की हैसियत रखती है वहां ये कौमी तशख्स की अलामत भी है. उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं. जब जनूबी एशिया में मुसलमानों की हुकूमत मजबूत हुई तो उन्होंने अपने लश्करों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग भर्ती किए जिनमें अरबी, ईरानी, तुर्की, हिंदुस्तानी, पंजाबी, सिंधी, पठान, बंगाली और बलोच वगैरह शामिल थे. या जाहिर है कि ये लोग मुख्तलिफ जबानें ही बोलते थे. इनके मेल जोल से एक नई जबान पैदा होने लगी. क्योंकि ये जबान लश्कर या उर्दू से वाबस्ता लोग बोला करते थे इसलिए उर्दू का इसको नाम दिया गया. अब देखते हैं कि उर्दू के मुख्तलिफ अदवार क्या हैं. उर्दू ने मुख्तलिफ अदवार में अपने कई नाम तब्दील किए. शुरू में इसे हिंदी, हिंदी और हिंदुस्तानी कहा जाता था. बाद में ये रिश्ता कहलाई. इसके बाद उर्दू मौला और अब सिर्फ उर्दू के नाम से पुकारी जाती है. 1647 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली को जब अपना दारुल खिलाफा बनाया तो लश्करी जबान बोलने वाले और दिल्ली की जबान बोलने वाले एक ही बाजार में रहते थे. बादशाह ने इस बाजार को उर्दू मौला के नाम से पुकारना तजवीज़ किया. लिहाजा वहाँ बोली जाने वाली जबान को जो है वो उर्दू मौला या जबान दिल्ली जो है वो ये कहलाने लगी. ये जबान जब दक्कन और गुजरात पहुंची तो दक्कनी और गुजराती भी इसे कहा जाने लगा. इसकी मकबूलियत को देखकर उमरा ने इसकी तरक्की के लिए खसूसी कोशिशें की. इस तरह ये जबान बोलचाल की सतह से बुलंद होकर बहुत जल्द अरबी अदबी दर्जे तक पहुंच गई. उर्दू जबान के अहम मराकज दिल्ली, दक्कन, औध और लखनऊ थे. उर्दू गजल का पहला दीवान बालिए गोलकंडा सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह ने मुरतब किया. अहम दक्कनी शोरा में वली दक्कनी, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द शामिल हैं. इन दक्कनी शोरा ने उर्दू का दामन वसी कर दिया. दिल्ली और दक्कन के अलावा उर्दू की मकबूलियत रियासतें और लखनऊ में भी होने लगी. मर्सिया गोई के फन का फरोग खास तौर पर लखनऊ में हुआ और अनीस सोदबीर जैसे अहम शायर उर्दू को नसीब हुए. 17वीं सदी में उर्दू के अजीम शायर जो हैं वो वली दक्कनी हैं. इसके बाद जो है वो 18वीं सदी में मीर तकी मीर जो है वो उर्दू के अजीम शायर का दर्जा रखते हैं. 19वीं सदी में मिर्जा गालिब को जो है वो उर्दू के अजीम शायर का दर्जा हासिल है. और मिर्जा गालिब की जो है वो गजल के साथ साथ जो उनकी नसर है वो भी उर्दू अदब की का कीमती सरमाया है. उर्दू की को जो है वो दुनिया की बड़ी जबानों का दर्जा देने में गालिब का किरदार अहम है.
1857 की जंगे आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर हुक्मरान बन गए और मुसलमान मुकम्मल तौर पर गुलाम बन गए, तो इसी दौर में सरसैद अहमद ख़ान और उनके रुफ़का ने उर्दू नज़म और नसर पर नए नए तजर्बात किए। इसी दौर में कौमी एहसास और दर्द तहसीत मजमू पैदा हुआ। इसी ज़माने में मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली लिखी और मुसलमानों को जो है वो झंझोड़ कर उनको अपने अजीम वरसे का एहसास दिलाया। 20वीं सदी के अजीम शायर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि मुसलमान अजीम सकाफती तहजीबी और तमदनी वरसे के हामिल हैं। इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरसगीर पाक और हिंद के मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए अपनी खुदी को मजबूत करके नए हालात और मुश्किलात का मुकाबला करने का दर्स दिया। आपने नौजवान नस्ल के अंदर से जो है वो मायूसी और नाउमीदी को खत्म किया। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथी। आपने उर्दू और फारसी दोनों जबानों में शायरी की। आपकी शायरी ने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह और एक नए वलवले और जोश को जन्म दिया, जिसकी बदौलत मुसलमान अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर जौके तकाजा दे। इकबाल की जो शायरी थी उसने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह और एक नए वलवले और एक नए जोश को जन्म दिया, और मुसलमान इसी रूह, इसी जज्बे और इसी जोश की बदौलत अपनी मंजिल, अपना वतन हासिल करने में कामयाब हुए। आपकी शायरी इतनी मकबूल थी लोगों में कि लोगों को आपकी तवील नज़में भी याद हो जाती थीं। क्याम पाकिस्तान के बाद जदीद अदब के जेर असर उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। फैज अहमद फैज ने उर्दू जबान को जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो नए नए जाविये मुतारिफ करवाए। इस तरह उर्दू जबान अपनी तरक्की की मनाजिल तय करती गई और उर्दू शायरी में मजीद जो है वो इसके अंदर जो है तहकीक और तनकीद जो है उर्दू जबान में शामिल हुई। मुख्तलिफ अदीबों ने अपने असनाफ़ सुखन में नुमाया काम किए और इनमें उर्दू शायरी, उर्दू नावल निगारी, ड्रामा नवीसी, अफसाना नवीसी और तहकीक और तनकीद शामिल हैं, और उर्दू ज़बान इसी तरह से अपनी तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पंजाबी लैंग्वेज, सिंधी, बलोची और कश्मीरी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो अगली लैंग्वेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे।